देशवासियों की आप सभी का मंच पर स्वागत वंदन अभिनंदन। मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेताओं से निवेदन है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का उस बार में स्वागत करें सभी नेताओं से। मंडल अध्यक्ष पंकज जैसे जी से निवेदन है, स्वागत करें। मेरा मंडल सहयोग भैया मंच में ज्यादा भीड़ ना लगाएं, निवेदन है। पार्टी के मंडल के सभी नेताओं से पीतन सिंह जी, मेहताब सिंह जी, लेखराम साहु जी, नगर परिषद के अध्यक्ष निशा पटेल जी, विजय गोयल जी, राजेश जैन जी, बाबूलाल अग्रवाल जी, हमारे सबसे वरिष्ठ नेता। मैं धर्मेंद्र सिंह ठाकुर जी, सोहन कश्यप जी, सुनील गोयल जी, राजेश शर्मा जी, सुनील पाठक जी, अनिल सैनी, विजय साहू जी, शिशिर साहू जी, सबसे निवेदन करूंगा बड़ी माला से स्वागत करें, बड़ी माला से जल्दी। मैं कुलस्ते जी से निवेदन करूंगा कि हमारी जनता जन सम्मत करे आदिल कुलस्ते। छपारा ग्राम के सभी नगर पंचायत के नागरिक बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि जहां है वहीं शांति से खड़े हो जाए। पहले तो आप सब अपने अपने स्थान पर या तो बैठ जाएं या एकदम शांति से खड़े हो जाएं। हमारे आप लोग शांति से बैठ जाएं। आप सब भाई और बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि आज हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी हमारे बीच में आए। मैं आप सब भाई और बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में आज हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं। मैं नगर पंचायत छपारा और इस कासखंड के नागरिकों से भी निवेदन करता हूं कि आप सब लोगों का सहयोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। और इसलिए मैं आप सब लोगों के थोड़ा जल्दी कर लो जनसेवक के नाते आप सब लोगों से मैं हमेशा कभी ना कभी आगे पीछे हम मिल जाते हैं। भैया धर्मेंद्र जरा थोड़ा जल्दी कर लो। अरे हो गए ना आप। स्वागत के पश्चात हमारे चहेते नेता जिनका बेसब्री से इंतजार है, ऐसे सेवराज सिंह चौहान जी से मैं निवेदन करूंगा। बहुत लंबे समय से हमारी जनता जनार्दन उनका इंतजार कर रही है, हम सभी को संबोधित करें। मंच पर सभी कार्यकर्ता नीचे हो जाएं। आदरणीय सेवराज जी भाई साहब सभी उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। मंच को खाली कर दें, मंच को खाली कर दें जल्दी। सभी कार्यकर्ता आदरणीय सेवराज जी भाई साहब हम सबको संबोधित करेंगे भाई साहब। भैया सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पे, सभी लोग बैठ जाएं। मंच पे भी सभी लोगों से निवेदन है कि जो है थोड़ा सा जगह देते हैं वहाँ पे। हेलो, छपारा वालों, बोलिए भारत माता की। छपारा और आसपास की जनता की सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, अब मामा बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। हमारे लोकप्रिय नेता, यशस्वी मंत्री, राष्ट्रीय नेता और आपके लाडले सांसद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई आलोक दुबे जी, हमारे पूर्व विधायक भाई राकेश पाल सिंह जी, वरिष्ठ नेता वैभव पवार जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष। अब समय कम है, 8:30 बज गए और 10 बजे तक मामा को बरगी तक पहुंचना है, लंबा रास्ता तय करना है। इसलिए बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी, इसे चुनाव तो एक बहाना था, छपारा वालों हमें तो आपके दर्शन करने आना था। सब कैसे हैं छपारा में? लेकिन और अच्छे तब होंगे जब फग्गन सिंह जी जीतेंगे और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले
मैं नवरात्रि की सभी बहनों को भाइयों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्या बहनों को भी दिख जान दे रहे? यही तो मेरी लाडली बहना है जिन्होंने चमत्कार किया है, और मेरे लिए यही बहनें देवी का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तसती में कहा है, हर स्त्री देवी की मूर्ति है और मेरी बेटियां साक्षात देवियां हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और सुनो मेरी दीदियों, अभी तो लाडली बहना बनी है, आगे लखपति बहना बनाने का संकल्प हमारा है। बहने भी पीछे नहीं रहेंगे और भांजे भांजी तुम भी पीछे नहीं रहोगे। देखो कांग्रेस का कुछ नहीं बचा, आज मोदी जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली वैभवशाली गौरवशाली भारत खड़ा हो रहा है। बताओ जितना भारत का मान सम्मान और इज्जत आज दुनिया में है, कांग्रेस के राज में थी क्या? पिद्दी पिद्दी से देश आंखें दिखाते थे, कभी पाकिस्तान कभी और कोई, लेकिन जो हमें आंखें दिखाते थे आज वो 2 जून रोटी के लिए तरस रहे हैं। मोदी जी ने कह दिया कि देखो भाई, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ये नया भारत है, जो जरूरत पड़ती है तो सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है और एयर स्ट्राइक भी करता है। बढ़ रहा है हमारा भारत, रूस और यूक्रेन का युद्ध, हमारे बच्चे बच गए थे, माता पिता चिंतित थे कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इधर हजाया, बहनों को दिख जाना ना। अरे अब इनका ही राज आने वाला है, 33%, यही तो जीत जीत के आएंगी 29 में। लोग चिंतित थे कि बच्चे बचेंगे कि नहीं, लेकिन मोदी जी ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को और एक किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और कहा कि भारत के बच्चे हाथ में तिरंगा झंडा लेके निकलेंगे भारत माता की जय बोलते हुए, जब वो निकले तब युद्ध बंद कर देना, मेरे बच्चे सुरक्षित वापस आने चाहिए। भारत माता की जय के उद्घोष करते हुए हमारे बच्चे निकले तो रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया और यूक्रेन ने भी युद्ध विराम कर दिया और भारत माता की जय बोल के भारत के बच्चे सुरक्षित निकल आए, हमारे पीछे पाकिस्तान के बच्चे भी निकल आए। आज का भारत, चारों तरफ आप देखिए विकास के काम। आज मैं सिवनी जिले में घूम रहा हूं, अंदर की सड़कें देखी, चकाचक सड़कें देख के मामा की भी आत्मा प्रसन्न हो गई। प्रदेश को बदलने का सौभाग्य मिला। किसान भाइयों, 18% ब्याज का कर्जा 0% करने का सौभाग्य अगर है तो भारतीय जनता पार्टी को है। 6000 पीएम साहब देते थे, मैं जब चौथी बार सीएम बना तो दिल ने कहा मच्छू के चौहान दू बिछे दे दे रहे, 12000 कर दिया। बेटियों को लाडली लक्ष्मी से लेके 50 लाख, मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां है तभी तो मैं मामा हूं, ऐसी मामा थोड़ी हूं। और 1,32,00,000 मेरी लाडली बहने, एक ही संकल्प, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहे, तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट आए। और मैं जब भी मां से मांगता हूं, मैं देवी मां का उपासक हूं, मैं ये कहता हूं मां मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे बल भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। ए मेरी मां, मुझे तो मरने के बाद बार बार इसी जनता में पैदा करते रहना ताकि इसकी सेवा करता।
रिश्ते पद के नहीं होते, रिश्ते तो दिल के होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सेवा का सबसे सशक्त माध्यम, देश की सेवा भाजपा के माध्यम से। कांग्रेस अब कुछ नहीं कर सकती, उल्टे सीधे फैसले लिए कांग्रेस ने। आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा राम लला की हुई तो सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? मेरी बहनों ने दीपक जलाए, नौजवानों ने पताकाएं लहराई, रंगोलियां बनाई गई, आनंद उत्सव में पूरा देश डूबा था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी, कांग्रेस गम मना रही थी। बताओ सही बात है कि नहीं? निमंत्रण दिया कांग्रेस को, आ जाओ, लिखित में निमंत्रण, आइए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होइए। लेकिन बुद्धि औंधी हो गई, मंथरा आके बैठ गई खोपड़ी में और लिख के कांग्रेस ने दिया ऑन रिकॉर्ड कि हम नहीं आएंगे। बोलो, लिखा कि नहीं लिखा? कांग्रेस को जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब सब कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहुल तुझे ही भैया समझ में नहीं आती रे, क्या करें, कैसे कांग्रेस बचेगी बताओ? ऐसी कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या? जाको प्रिय न राम बे देही, ताको वोट कबहु नहीं देही। इनको वोट देने का क्या फायदा? और इसलिए विचारवान कांग्रेसी सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। बगल वाले भी हानी वाले थे छिंदवाड़ा तरफ के, लेकिन वैसे ही आ जाते तो आ जाते। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पर तुमने किया, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। आज हालत खराब है कांग्रेस की। मैडम सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है। बताओ, फग्गन सिंह कुलस्ते आठवीं बार लड़ रहे हैं मंडला से, इनने मंडला छोड़ा क्या? मामा ने भी नहीं छोड़ी बुदनी और विदिशा। राय बरेली जहां से इंदिरा जी लड़ी, सोनिया गांधी जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि पता था कि इस बार जीतने नहीं वाली। और राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ते थे? कहां से? अमेठी से। अमेठी से राहुल गांधी रणछोड़ दास हो गए, अमेठी से बायनाड निकल गए। अब जो खुद ही नहीं जीत रहा वो दूसरों को जिता सकते हैं क्या? ये नहीं जिता सकते। इसलिए कांग्रेस का विसर्जन अब तय है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विश्व गुरु बनना भी तय है। इसलिए आइए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए, आज ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्मदिन पर हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। और संकल्प है मोदी जी का विकसित भारत, विकसित भारत का निर्माण। और मैं आज कह रहा हूं छपारा की धरती पर हमारी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों भारत विश्व गुरु बनेगा, अब रुक नहीं सकता। आओ मेरे बहनों और भाइयों, समय ज्यादा नहीं है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में अपनी आहुति भी दें, कमल के फूल की बटन दबाए, फग्गन सिंह कुलस्ते जी को भारी बहुमत से जिताए ताकि आपकी सेवा डट के कर सके, मोदी जी को पीएम बनाए। और चिंता मत करना, मामा भी अब दिल्ली जा रहे हैं, मिलके काम करेंगे, देश का भी देश भी आगे बढ़ेगा और अपना प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मोहन जी भी जो वादा हमने किया एक एक वादा पूरा करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय जय।